आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स में, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय लीला भंसाली की पहली सीरीज हीरा मंडी से दूसरा गाना तिलस्मी बाहें रिलीज हो चुका है। तिलस्मी बाहें सॉन्ग में सोनाक्षी सिन्हा का कभी ना देखा गया अवतार देखने को मिल रहा है और पूरे गाने में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने ऊपर से लोगों की नजरें बिल्कुल भी हटने नहीं दी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी से डिवोर्स की मंजूरी दे दी है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रुएल्टी के आधार पर कुणाल कपूर के तलाक को मंजूरी दी है और हाई कोर्ट ने कहा है कि कुणाल कपूर के लिए उनकी वाइफ का बिहेवियर डिग्निटी और एम्पैथी वाला बिल्कुल नहीं था। बॉलीवुड के लव बर्ड्स विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया को हाल ही में लेट नाइट मूवी डेट पर स्पॉट किया गया है। फिल्म के बाद दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे हुए और मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। इस खास शाम के लिए तमन्ना भाटिया ने स्पॉटी लुक अपनाया तो वहीं दूसरी तरफ विजय वर्मा भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर की बैगी पैंट्स में नजर आए थे। बॉलीवुड की इफ्तार पार्टी से शूरा खान और अरबाज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अरबाज अपनी प्यारी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाते नजर आ रहे हैं और फिर वो खुद भी सेम पीस को खा लेते हैं और अब दोनों की क्यूट केमिस्ट्री ने फैंस का दिल खुश कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नीलम उपाध्याय के साथ रोका कर लिया है और अब उनकी रोका सेरेमनी से कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं। सारी फोटोज में वो अपनी होने वाली दुल्हन के साथ रोमांटिक पोजेस देते नजर आ रहे हैं। फैंस को कपल का ये अंदाज काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब मेकर्स ने बताया है कि फिल्म का टीजर जल्द ही आउट होने वाला है। मेकर्स ने नया पोस्टर शेयर कर टीजर की डेट का भी ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद से इंटरनेट पर पुष्पा 2 ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि फिल्म के टीजर को फैंस 8 अप्रैल को देख पाएंगे। रणवीर सिंह को बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। रणवीर एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह ही एक यूनिक लुक में नजर आए थे। वीडियो में एक्टर ने ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था और सिर पर एक कैप भी लगाई हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद से ही फैंस रणवीर सिंह को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन फिल्म बेबी जॉन में नजर आने वाले हैं और अब वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी 2 फोटो शेयर की हैं। इसके साथ ही वरुण ने बताया है कि उन्होंने फिल्म बेबी जॉन की 70 दिन की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन के साथ कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी भी नजर आने वाली हैं। खबर है कि नागिन 7 के मेकर्स ने शहजादा धामी को अपने शो के लिए अप्रोच किया है जिससे वो लीड रोल में नजर आ सकते हैं। इससे पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक शहजादा को कलर्स टीवी का एक शो ऑफर हुआ था जिसका ऐलान भी जल्द ही हो सकता है। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।